हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रोसिस के ऊपर, पर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में करके बनाया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रोसिस क्या है, उसका क्या कॉज है, उसके पीछे पैथोजेनेसिस क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आजकल लेडीज में एंडोमेट्रोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इवन इट इज वन कॉज फॉर इनफर्टिलिटी ऑल्सो। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस क्या है, उसके लिए ये जो एंडोमेट्रोसिस है वो बना है एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। जब वो यूट्रस के अंदर की लेयर बाहर ग्रो करने लगती है, कहीं भी ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, पेल्विक रीजन या फिर इवन एब्डोमेन, कहीं भी अगर बाहर ग्रो कर रही है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लांट हो सकती है। तो जो इसकी कॉमन साइट है वो है ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब में ये इम्प्लांट हो सकती है। नेक्स्ट रेक्टोवेजाइनल सेप्टम में ये इम्प्लांट हो सकती है, पाउच ऑफ डगलस में मिल सकती है, ये इसकी कॉमन साइट है। रेयर साइट जो है वो उसमें मिलता है हमको, कोई भी स्कार है, एब्डोमिनल स्कार वहाँ पे मिल सकता है, जैसे कि पहला सिजेरियन स्कार का मार्क है तो वहाँ भी ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट आता है लंग्स में ग्रो कर सकता है, किडनी में ग्रो कर सकता है, ये इसकी रेयर साइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंडोमेट्रोसिस का कारण क्या है। तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक किसी को नहीं पता है कि इसके पीछे का एग्जैक्ट कॉज क्या है, बट बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं जो कि एंडोमेट्रोसिस को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसका क्या मीन है, रेट्रोग्रेड मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। जब मेंस्ट्रुअल ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगे उसको रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर वाली लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है। उसी टाइम पे जो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये ट्यूब्स से होते हुए बाहर पेल्विक कैविटी में आ जाते हैं और फिर ये जगह जगह इम्प्लांट हो जाते हैं। तो यही ये थ्योरी है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, और इसी से फिर ये जगह जगह इम्प्लांट होकर एंडोमेट्रोसिस होता है। इसको एक अनदर टर्म भी यूज किया गया है जिसको ट्रांसट्यूबल माइग्रेशन बोला जाता है। दिस इज अ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन, इसलिए ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने के लिए मिलती है। और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, तो उसमें सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में एंडोमेट्रोसिस है तो उसमें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो रिस्क फैक्टर है वो है लो पेराइटी या फिर डिलेड चाइल्ड बियरिंग, क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, जो एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन है वो ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से इन दोनों को कंसिडर किया जाता है रिस्क फैक्टर के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एंडोमेट्रोसिस क्या है। तो अगर हम इसका डायरेक्ट रेफरेंस देखें तो संहिताज में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एंडोमेट्रोसिस क्या है, उसका कोई भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ इसके सिम्टम्स के बेस पे हम इसको कोरिलेट करते हैं, और वो हम कोरिलेट करते हैं इसको वातज योनि व्यापक से। तो इसके पीछे की पैथोजेनेसिस क्या है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा कि जो आर्तव होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो किससे फॉर्म हो रहा है, रस धातु मींस प्लाज्मा। जो रस धातु का फंक्शन है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, व्यान वायु से। तो हमारी बॉडी में 5 types के वायु प्रेजेंट रहते हैं, तो जो रस धातु का फॉर्मेशन हो रहा है वो फंक्शन होता है व्यान वायु से। सेकेंड थिंग, जो आर्तव है, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, जो बॉडी से इलिमिनेट होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो किसका फंक्शन है, अपान वायु का। तो अपान वायु का जब फंक्शन नॉर्मल रहेगा तभी जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बॉडी से सही से एलिमिनेट हो पाएगा। तो इन दोनों को याद रखना है कि जो रस धातु का आर्तव जो है वो रस धातु की उपधातु है, और रस धातु का जो फंक्शन है वो कंट्रोल होता है व्यान वायु से। सेकंड थिंग, जो आर्तव है वो एलिमिनेट जब बॉडी से होता है तो वो जो फंक्शन है वो अपान वायु करती है। जब अपान वायु और व्यान वायु दोनों की दुष्टि हो जाती है तब ये एंडोमेट्रोसिस होता है। आयुर्वेद में एक टर्म यूज है, किया गया है इसके लिए, वो है व्यान आवृत अपान वायु। इट मीन्स जो व्यान का फंक्शन है वो हावी हो जाता है अपान वायु। इट मीन्स अपान वायु का जो फंक्शन है वो
हाइपो फंक्शन में चली जाती है, यानी कि उसका फंक्शन कम हो जाता है। जब अपान वायु का फंक्शन कम होगा तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो एलिमिनेट बॉडी से सही से नहीं हो पाएगा, और व्यान वायु क्या है वो पूरे बॉडी में फैली हुई है, तो वो क्या करेगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो जगह जगह जाके इम्प्लांट करेगा। तो इसमें पैथोजेनेसिस मेन जो है वो है व्यान आवृत अपान वायु, इट मीन्स अपान वायु और व्यान वायु दोनों की दुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, किस वजह से वात का इम्प्रॉपर फंक्शन हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले आता है एबनॉर्मल डाइट की वजह से। एबनॉर्मल डाइट में विरुद्ध आहार का सेवन करना, जो इनकम्पैटिबल फूड है अगर वो हम डाइट में ले रहे हैं, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा खा रहे हैं, ब्रेड हुआ, पिज्ज़ा हुआ, ये सब, या फिर ऑयली और स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, या फिर बाहर के फास्ट फूड ज़्यादा हमने अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो ये सब कारण हो सकता है। सेकेंड आता है एबनॉर्मल लाइफ स्टाइल का, उसमें देर रात तक जागना जिसकी वजह से वात की वृद्धि होगी। सेकेंड आता है मॉर्निंग में कोई एक्सरसाइज ना करना, कुछ योगा ना करना। नेक्स्ट आता है जो नेचुरल अर्जेस हैं उसको सप्रेस करना। नेचुरल अर्जेस में जैसे यूरिन हुआ, स्टूल हुआ, अगर उसको हम होल्ड करके रख रहे हैं, टाइम पर पास नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से वात की दुष्टि होती है। नेक्स्ट बताया गया है प्रदुष्ट आर्तम, इट मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अराउंड 25% वुमेन में एसिम्टोमेटिक भी रहता है, जिनमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है उसमें है, सबसे फर्स्ट है डिसमेनोरिया, इट मीन्स पेनफुल पीरियड्स। पीरियड्स के आने के 2-3 दिन पहले से सीवियर पेन रहेगा और ड्यूरिंग पीरियड्स भी सीवियर पेन रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के अंदर वाली लेयर वो शेड ऑफ होती है। तो अभी क्या है, ये एंडोमेट्रियम जगह जगह पे इम्प्लांट है, तो वहाँ भी शेड ऑफ होगा, तो इस वजह से पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। सेकंड आता है डिसपेरेनिया। डिसपेरेनिया इट मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स। पेनफुल इंटरकोर्स कब रहेगा, जब एंडोमेट्रोसिस जो है वो रेक्टोवेजाइनल सेप्टम में प्रेजेंट होगा या फिर पाउच ऑफ डगलस में रहेगा। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनिट्रेशन करते टाइम क्या रहेगा, वहाँ पे पेशेंट को पेन रहेगा। नेक्स्ट आता है मेनोरेजिया रहता है, इट मीन्स हैवी ब्लीडिंग रहेगी ड्यूरिंग पीरियड्स, और इसमें इसकी वजह से एंडोमेट्रोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। तो इनफर्टिलिटी क्यों रहता है, अगर ये एंडोमेट्रोसिस ओवरी में जाके इम्प्लांट हो गई तो क्या होगा, जो नॉर्मल ओवुलेशन है वो नहीं होगा, और वहाँ पे ये चॉकलेट सिस्ट का भी फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होगा तो पेशेंट को कंसीव नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी भी इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट आता है हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं उससे डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपिक, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हमें एंडोमेट्रोसिस के बारे में पता चलता है, नहीं तो हम क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं उसके बेसिस पर भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंडोमेट्रोसिस क्या है, उसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो हमने दोनों के अकॉर्डिंग देखा, मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।